अब तक आपने देखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारा बलं चंद्र बलं तदेव विद्या बलं देव बलं तदेव। और अब फेरों के लिए खड़े होने के पहले ग्रंथि बंधन करना होगा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं और आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए सावधान हो जाएं। कन्यादान के लिए पधार हैं। अब आगे देख मीरा, तुम थोड़ा आराम कर लो बेटा, शादी का दिन बहुत थकान का होता है। हाँ, इतनी एक्साइटमेंट होती है और इतनी सारी रस्में, थकान तो होगी। लेकिन सिंधु, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। हाँ जी, आप तुम भी थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। थक तो गई हूँ लेकिन अब तो हमने सोना ही है। चलो चलो चलो, दूध का ग्लास तैयार है। हमने अभी का कमरा पूरी तरह से सेट किया है। हम तो चाहते थे तुम्हारे लिए हनीमून स्वीट बुक करना बेटा, लेकिन ये अभी माना ही नहीं। हाँ, अभी की तो जिद थी कि ये रात वो अपने कमरे में ही गुजारना चाहता है। लेकिन अभी का कमरा तो बाप रे बाप, तुमको तो पता ही है अकेले लड़के कैसे रहते हैं। लेकिन डोंट वरी, अब सरू और गोपाल ने पूरा कमरा एकदम चमका दिया है। दीदी, आपको याद है हमारे टाइम आपने ये सब किया था। चलो तैयार हो जाओ। जी, अभी और भी तैयार होना है। अरे मतलब जिस लम्हे का तुम्हें इंतजार था वो लम्हा। सरू, बहू है हमारी। जी जी, बहू होगी आपकी। मेरी तो वो दोस्त है ना। चलो 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 चलो। नहीं रुको, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आप इसे 5 मिनट बाद लेके आइए। ओके, मैं जाती हूँ, मुझे काम याद आ गया। बाय बाय बाय। अरे नहीं, वो दूध कहाँ लेके जा रही है? तो दे। बाय बाय। लावी मुझे दे। चले जी। हाँ। अभी भैया, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। अभी नहीं, बाद में।
पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके। हाँ, ओके। बाय, गुड नाइट, एंजॉय। अभी मुझे पूछना था, सब ठीक है? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा, एंजॉय एंजॉय। सब कुशल मंगल? वो जो रसायन दिया था पापा, उसके पश्चात दूध पीना अति आवश्यक है, यही बताने आया था। तो भूलना मत। ठीक है, खुश। और मेरे शेर, हैं? जरूरत पड़ेगी। चाचू, अरे जरूरत पड़ेगी। नहीं, मुझे नहीं जरूरत नहीं है। आप चाहिए ना, प्लीज। मेरी बात मान, जरूरत पड़ेगी। कबर्ड में क्या कर रही थी? वो मैं बस पूछने आई थी कि कुछ चाहिए तुम्हें या नहीं, मतलब चाहिए? नहीं तुम्हें? नहीं। सब ठीक है? हाँ। पक्का? पक्का। सब कितना अच्छा है ना, तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा। हाँ। ओके, बाय 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 बाय। मैं भूल गई कुछ। मैं भी भूल गई। ओह नो। मैं भी ना। ओके, आई विल गो। एंजॉय। बाय मीरा। बाय। कहीं भी हो सकते हैं ना? I think we are safe.
अवस्थी परिवार हमारा। Congratulations. Congratulations to you too. We did it. Of course we did. Good night. Good night. तो नशा ही कुछ और होता है ना। वो क्या कहते हैं उसे? क्या? हैंगओवर? हाँ। जी जी। मगर मम्मी जी अभी तो अब तक उठे भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम पी लेना, वो बाद में पी लेगा। साथ साथ चाय पीना जरूरी नहीं है। सरू चाची, मैं चाय नहीं पीती, एक्चुअली मैं कॉफी पीती हूँ। अभी को उठते ही बेड टी पीने की आदत है बेटा, और जैसे ही वो नहा के निकलेगा ना, उसे सालों से आदत हो गई है बेटा हर सुबह अभी के ऑफिस के कपड़े निकाल कर देने की। लेकिन आज से उसे कपड़े निकाल कर बेटा तुम दोगे, वो भी अपने पसंद। दीदी अब बस कपड़े ही नहीं, अब हर काम अभी मीरा की पसंद का करेगा। सिंधु जरा फ्रिज से मक्खन तो निकाल दो प्लीज, नहीं तो अभी ने आके फिर से चिल्लाना शुरू कर। हाँ जी जी। ठंडा मक्खन क्यों दिया? ओ मीरा। अरे कुछ चाहिए था बेटा? मम्मी जी थोड़ी कॉफी। अरे हाँ सरू। अरे बेटा तो बोल देती। बेटा अवस्थी खानदान में जब तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं उतरती तब तक उसे किचन में घुसने भी नहीं दिया जाता। हाँ। अरे सरू तुम मीरा के लिए कॉफी बना दो ना। वैसे कॉफी तो बना दूंगी, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ ये मैं बताऊंगी। रात कैसे कटी? चेहरे से खुमारे तो अभी भी नहीं उतरी।
चाची वो शुगर और कॉफी को पहले थोड़ा बीट कर दीजिएगा और उसके ऊपर हॉट मिल्क डाल दीजिएगा। मीरा सरू बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, एक बार पीकर तो देखो। जी वैसे स्ट्रॉन्ग कॉफी हैंगओवर उतारती है और पहली रात का तो नशा ही कुछ और होता है ना? पता है हमारी सुहाग रात तो कुछ अलग ही थी। 3 बजे तो हम घर पहुंचे थे, रात का मुहूर्त था ना, सुबह तक सोई नहीं। सुबह मेरा चेहरा इतना अजीब लग रहा था कि ये दोनों मुझे छेड़ रहे थे। सरू सरू सरू, अरे सरू पुरानी कहानी छोड़, अब तो हमारे पास नई कहानी आ गई है सुनने के लिए। क्यों? चलो नई कहानी सुना दो। अरे कम से कम यही बता दो कि रात में सोए कितने बजे। अरे बताओ चाची, प्लीज डोंट माइंड, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बातें किसी से भी शेयर नहीं करती, अपनी फैमिली से भी नहीं। सो कल रात जो भी हमारे बीच में हुआ उस टॉपिक को हम हमारे बीच में रहने देते हैं। ओके ठीक है, नहीं करते। रात कैसे कटी? मीरा, हमारा पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करता है। जी चाची, मैं भी आप सबके साथ ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल जाऊंगी। जी जी, मतलब आज ऑफिस जाओगी? मीरा आज ऑफिस जाओगी? मतलब ठीक हो ना तुम, आज ऑफिस जाओगी? अभी को पता है इसके बारे में? जी अभी को पता है मम्मी जी, इनफैक्ट अभी भी आज ऑफिस जा रहे हैं। क्या? है? जी जी आज ऑफिस? भगवान। मीरा बेटू कॉफी। मीरा चाची, बेटू कैसी है तू? क्या कर रही? क्या कर रही थी? मीरा तूने सुपर टिप मीरा क्या बोल रही? सुनो ना मीरा, मीरा कैसे हो? मीरा हेलो मीरा, सब आ गए। अरे सुन सुन, एक सेकंड। अरे आप लोग सब क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा यहाँ पर सब पूछ रहे हैं कि वहाँ ठीक है ना, तू ठीक है ना? कम ऑन गाइस, मुझे जाकर एक रात ही तो हुई है, आप लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे एक साल हो गया है। एक मिनट मुझे बात करनी है। अरे मौसमी कहाँ लेके जा रही है फोन? अरे तो मुझे ये बताइए कि वो एक रात कैसी थी? मौसमी रात तो रात थी, कट गई। कम ऑन दी, ये रात तो रात जैसी नहीं होगी। I'm sure। बताओ ना शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता? मौसमी चाची को फोन दो। ओके फाइन। लो बात करो, दी को सबसे बात करनी है, मैं इतना मिस कर रही हूँ उसका कुछ नहीं। ओ देख अब तू चली गई है ना, अब इसको तेरी याद आ रही है। डैड। हाँ बेटा कैसी हो? आज आप वॉक पर नहीं गए ना? आज मैं देर से उठा, कोई था नहीं ना, वॉक पर जाने के लिए मजबूर करे वो। ठीक है डैड, तो कल से मैं आपको रोज फोन करूंगी
और वॉक पर जाने के लिए मजबूर करूंगी, ठीक है? वो ठीक होगा बेटा। चाचू, चाचू। हाँ हाँ मीरा, कैसी हो? अच्छा मीरा, अगर किचन में कोई तकलीफ आए ना तो मुझे फोन कर देना। ओके चाचू, पक्का डन।